नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल की भूमिका की जांच की जाएगी, तो शिवपाल यादव की भूमिका की सीबीआई कर सकती है जांच। तत्कालीन सिंचाई मंत्री से पूछताछ के लिए मांगी अनुमति, तो दो तत्कालीन आला अफसरों की भूमिका भी जांच में। सीबीआई ने दो अधिकारियों को तलब भी किया है। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने पड़ताल शुरू की है। सपा सरकार में हुआ था 1437 करोड़ का घोटाला, और इसी को लेकर अब सीबीआई अनुमति मांग रही है कि इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सके। और अब कहीं ना कहीं जो शिवपाल यादव पर ये जांच की तलवार लटक रही है, इसके साथ ही साथ दो उस वक्त के अधिकारी ऐसे जो उस वक्त तैनात थे, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर उन्हें भी तलब किया गया है। तो रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल की भूमिका की जांच की जा रही है, और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो शिवपाल यादव की भूमिका की सीबीआई कर सकती है जांच, और इसीलिए अनुमति भी मांगी गई है। तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे, पूछताछ के लिए सीबीआई ने अनुमति मांगी है। दो तत्कालीन आला अफसरों की भूमिका की भी जांच है, तो सीबीआई ने दो अधिकारियों को तलब किया। तो रिवर फ्रंट घोटाला जिसे लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे, और इसके बाद अब ये पूरा मामला सीबीआई पर पहुंचा था। सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन में नजर आ रही है, और सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर शिवपाल यादव की भूमिका पर जांच कर सकती है, और इसके लिए सीबीआई ने परमिशन मांगी है कि ताकि शिवपाल यादव से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सके। इसके साथ ही साथ दो तत्कालीन अधिकारियों से भी पूछताछ सीबीआई करती हुई नजर आएगी। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिवपाल यादव की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए उनसे सीबीआई पूछताछ कर सकती है, और कहीं ना कहीं सीबीआई की पूछताछ की अब तलवार शिवपाल यादव के सर पर लटक रही है। इसके साथ ही दो अधिकारी भी शामिल हैं जिन पर भी नोटिस जारी किया गया है उनको लेकर। बिल्कुल, सीबीआई जो अब है, जो रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था उसकी जांच के लिए, पूछताछ के लिए शिवपाल यादव और दो अन्य अधिकारी जो रहे वर्तमान में सिंचाई विभाग के, उनसे पूछताछ के लिए अनुमति मांगी। हालांकि शासन ने अनुमति देने से पहले सिंचाई विभाग से पूरा रिकॉर्ड तलब किया है, और उसके बाद ही सीबीआई को जो है पूछताछ के लिए इजाजत दी जाएगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें पूरा रिवर फ्रंट घोटाला जो हुआ था 2013-2014 के दौरान रिवर फ्रंट की भूमिका बनी थी, और 1513 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया था। उसके बाद अगर बात करें तत्काल सपा सरकार में ही 1437 करोड़ का बजट जो है रिलीज कर दिया गया था। ये बजट 95% कुल बजट का था। हालांकि बजट तो दे दिया गया, लेकिन जो काम था वो 60% भी नहीं हो पाया। जिसके बाद जब 2017 में योगी सरकार आई, तो तत्काल प्रभाव से योगी सरकार ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच रिवर फ्रंट घोटाले कराई, जिसमें तमाम अधिकारी की भूमिका संदिग्ध रही। हालांकि जांच होने के बाद में ये जो केस था वो सीबीआई को दे दिया गया, और सीबीआई ने जांच में तमाम जो कर्मचारी थे अधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं तत्कालीन सिंचाई मंत्री जो थे शिवपाल सिंह यादव, इनकी भूमिका को लेकर के हमेशा हाय तौबा मची रही। क्योंकि एक और जब 2017 में का समय आया, 2017 के पहले जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का कहीं अलगाव हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी अपनाया गया शिवपाल यादव के लिए। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बन रही है, जो राजनीति के जानकार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से कल शिवपाल यादव की जो सुरक्षा कम की गई है, जेट से वाई सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा दी गई, साथ ही साथ जो है अब उन लोगों को कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक उनका कहना है कि जांच तो पहले ही होनी थी। निश्चित तौर पर पूरी उम्मीद थी कि अखिलेश और शिवपाल साथ में आएंगे तो इस तरीके की जांचें होंगी, लेकिन ये अपना पहलू उनके पक्ष वालों का है, लेकिन सरकार का अपना पहलू है, क्योंकि घोटाला बड़ा है। और निश्चित तौर पर आप रिवर फ्रंट जाएंगे, रिवर फ्रंट में जिस तरीके से पैसा आवंटित किया गया था उस तरीके से काम नहीं हुआ। निश्चित तौर पर 60% का काम
पिछले 5 सालों में होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता, जबकि बजट पूरा का पूरा आवंटित कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। अगर CBI जो इनसे पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका क्या रही इस दौरान, क्या ये बतौर सिंचाई मंत्री इन्होंने क्या कदम उठाए थे, इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हालांकि CBI पूरी सख्ती के साथ जांच करेगी, क्योंकि काफी लंबे समय से पूरा मामला अटका हुआ, जांच बहुत धीमी की गति जो थी वो धीमी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जांच की गति में तेजी लाने की कोशिश की जा रही। CBI की ओर से भी अब पूछताछ के लिए अनुमति मांगी है, शासन से जैसे ही अनुमति मिलेगी उसके बाद शिवपाल यादव को भी नोटिस जारी किया जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है और विपक्ष के नेता हैं वो अब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब तक आखिर जांच के लिए में तेजी क्यों नहीं लाएगी। जैसे ही शिवपाल यादव अखिलेश यादव के करीब बढ़ती है, सरकार जो है वो जांच कराती है। निश्चित तौर पर राजनीतिक स्थितियां अलग हो रही हैं, लेकिन जो घोटाला हुआ उसको लेकर के आज जो पूरी जांच होनी है वो समय रहते अगर होगी तो तमाम बड़े अधिकारी के साथ साथ तमाम अन्य लोग भी इसकी जद में आएंगे। निश्चित तौर पर शिवपाल यादव उस समय सिंचाई मंत्री थे, तो ऐसे में उनसे पूछताछ होना लाजमी है, क्योंकि उनकी देख रेख में ही पूरा रिवरफ्रंट बन के तैयार हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस समय क्या क्या रहा, क्यों पूरा काम नहीं हुआ, आखिर बजट जो आवंटित किया गया था वो कहाँ गया, इन तमाम सवालों के जवाब शिवपाल यादव को देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, और अश्विनी इसके साथ ही साथ देखिए 2 अधिकारियों को भी तलब किया गया है। क्या उनकी जांच पहले ही कर ली जाएगी, CBI उनसे पूछताछ पहले कर सकती है? बिल्कुल, जिन अधिकारियों का जिक्र हो रहा वो दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं, उस दौरान सिंचाई विभाग के संबंधित थे अधिकारी हैं। तो ऐसे में आज जब नोटिस जारी होगा तो निश्चित तौर पर तीनों लोगों को जारी होगा, क्योंकि दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं और साथ ही साथ तत्कालीन जो सिंचाई मंत्री थे। CBI ने इसके लिए जो अनुमति मांगी है, हालांकि अभी अनुमति ग्रांट नहीं हुई है, शासन ने रिकॉर्ड तलब किया और रिकॉर्ड को देख कर ही अनुमति दी जाए कि आखिर शिवपाल यादव की जो भूमिका थी वो कितनी थी उसके बाद, और अधिकारियों की भूमिका कितनी थी। उसके बाद जब CBI को अनुमति अगर दे दी जाएगी तो CBI पूछताछ करेगी, उन अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा, साथ ही साथ शिवपाल यादव को भी बुलाया जाएगा। और संभावना ऐसे की है शिवपाल यादव और उन अधिकारियों को आमना सामना भी कराया जाए कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, आखिर जो पैसा आवंटित हुआ था वो गया कहाँ, आखिर किन लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया, कौन कौन से अधिकारी इसके और शामिल थे, इन तमाम सवालों के जवाब CBI को शिवपाल यादव और उन अधिकारियों को देना पड़ सकता है।